प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आएंगे इंदौर। पुलिस कंट्रोल रूम में एसपी जी ने लिया अधिकारियों की बैठक। बोहरा समाज के धर्मगुरु से करेंगे मुलाकात। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मौर्य ने कहा 45 असंगठित कर्मकारों का दीनदयाल सुरक्षा बीमा योजना के तहत कराया जाएगा पंजीयन। भोपाल में मिले 3 और डेंगू के मरीज, आंकड़ा पहुंचा 70 के पार। 20 टीमें रोजाना कर रही सर्वे। अशोकनगर में पुलिस ने किया 48 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। भारत बंद के दौरान किया था बवाल, 5 की हुई गिरफ्तारी, परिजनों ने किया हंगामा। लखीमपुर में स्वाइन फ्लू का प्रकोप, लखनऊ के सहारा अस्पताल में इलाज के दौरान एक मरीज की मौत, प्रशासन हुआ सतर्क। महेश्वर में युवक और महिला की खेत में मिली लाश, पुलिस अधिकारी बोले प्रारंभिक जांच में लग रहा प्रेम प्रसंग का मामला। खनिया थाना के अछरौनी में जैन मंदिर से 22 मूर्तियां चोरी, समाज के लोगों में आक्रोश, मूर्तियों की कीमत 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा। खेल अलंकरण समारोह में प्रदेश भर के खिलाड़ियों का होगा सम्मान, 95 लाख की बांटी जाएगी राशि। रायपुर में अंतर्राष्ट्रीय कराटे खिलाड़ी हर्षा साहू का गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज। विश्व में पहली बार चलती ट्रेन में महिलाओं को सिखाए आत्मरक्षा के गुर। और देश भर में गणेश उत्सव की धूम, घर घर विराज रहे गजानन। भोपाल में लोग दे रहे पर्यावरण को बचाने का संदेश, लोग भी खरीद रहे मिट्टी के गणेश।